हेलो, आई एम गवर्नमेंट ITI इंस्ट्रक्टर ऑफ सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक फ्रॉम स्नाम, नेम्ड एज मनदीप कौर। मेरा टॉपिक रनिंग स्टिच, पैटिन स्टिच बारे है। सब तो पहला अपन पता होना चाहिए कि रनिंग स्टिच की होंगे है। अ सिंपल नीडल वर्क स्टिच कंसिस्टिंग ऑफ ए लाइन ऑफ स्मॉल इवन स्टिचेस विच रन बैक एंड फोर्थ थ्रू द क्लोथ विदाउट ओवरलैपिंग। इहदा मतलब है कि बहुत ही आसान एक सुई नाल कीता गया स्टिच है, जिस विच टांके नूं थोड़े गैप नाल एक जगह तो दूजी जगह कढ़िया जांदा है। यह इरेगुलर नहीं होना चाहिए, यह रेगुलर स्पेस ते होना चाहिए ते ओवरलैप नहीं करना चाहिए। इस दे नाल ही रनिंग स्टिच की एक होर टाइप है जिसनों क्रॉस स्टिच किया जाता है, जिसनों कि आप यूज़ कर सकते हैं खदर केसमेंट ते। यह एक टाइप की कढ़ाई होंगी है जिस विच आपां एक जगह तो सुई काढ़ के उहदे अपोजिट साइड ते थले कढ़नी है, फिर वो तो पैरेलल साइड ते उपर काढ़ के फिर उहदे अपोजिट साइड ते थले कढ़नी है। आपां इहनूं इंग्लिश एवें डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन यूज़ दिस स्टिच टू फिनिश हैम्स विद फैब्रिक दैट डजंट फ्रे एंड टू टैक फेसिंग इनविजिबली। रनिंग स्टिच दी एक होर टाइप है जिसनों बैक रनिंग स्टिच किया जाता है, जिस विच कि आप पहला टांका अगे कढ़ना है फिर उसनों बचारों बैक करके नीचे कढ़ना है, उसनों बैक रनिंग स्टिच किया जाता है। बैक रनिंग स्टिच डेफिनेशन, द स्टिच फर्स्ट टू बी मूव फॉरवर्ड एंड कम बैक अप टू हाफ ऑफ स्टिच। रनिंग स्टिच दी कढ़ाई करन लई आपां नूं एंकर दियां गुच्छियां, फ्रेस पेपर ते एक कपड़े दी जरूरत पैंदी है। जिहड़ा रनिंग स्टिच हुंदा है इहनूं आपां हत्थ नाल वी कट सकदे हां, अलोंग विद इट आपां इहनूं मशीन ते वी कट सकदे हां। जे मशीन ते कढ़ाई करनी है तां रेशमी रीलां वरतियां जांदियां ने। इस तों बाद अपनी एक होर एम्ब्रॉयडरी आ जांदी है जिसका नाम सैटिन है। इस एम्ब्रॉयडरी विच फ्लैट स्टिचिस दी सीरीज हुंदी है जो कि बैकग्राउंड फैब्रिक नूं पूरा कवर कर लैंदी है। स्विंग मशीन ते सैटिन स्टिच नूं पतलियां रोस विच एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब कि चलाया जाता है। सैटिन दी कढ़ाई पूरी होने तो बाद बहुत ही स्मूथ लगती है। सैटिन दी कढ़ाई कपड़े नूं पूरे आले दुआले कवर कर लैंदी है ते एक पूरा स्मूथ सरफेस बना देंदी है, जो कि बहुत ही प्लीजेंट हुंदा है आईस लई। सैटिन स्टिचिस की कढ़ाई हुंदी है जिहड़ी ओह एंकर दी गुच्छिया नाल कीती जांदी है, यह किसी भी कपड़े ते कीती जा सकती है। यह कढ़ाई हत्थी भी हुंदी है ते मशीन ते भी कीती जांदी है। जेकर आपां हत्थी नाल कढ़ाई करनी है तां आपां एंकर दीआं गुच्छियां दी वरतों करांगे, ते जेकर आपां मशीन नाल कढ़ाई करनी है तां रेशमी रीलां दी वरतों कीती जांदी है। सैटिन स्टिचिस सूटां ते बहुत ही सोहना लगता है। इस तों अलावा आपां फराकां वगैरह ते भी सैटिन स्टिच की वरतों कर सकते हैं। सैटिन स्टिच नूं बनाउण लई सुई नूं कपड़े दी एक साइड कढ़ के दूसरी साइड अंदर करना है, ते जिहड़े ये स्टिचिस हुंदे आ ये कर्व लाइन दे विच हुंदे ने। सैटिन स्टिच वैसे तो बहुत ही सिंपल हुंदा है, बट इस विच सब तो औखी चीज़ ये हुंदी है कि इस विच जिहड़ी सफाई हुंदी है वह बहुत घट आती है, ते कई लोग इसनूं सफाई देन लई उसके आले दुआले चेन स्टिचिस का भी इस्तेमाल करते हैं ते बैक रनिंग स्टिचिस का।